इससे पूर्व की कक्षा में हमने जो है कविता शिक्षण की चुनौतियाँ जो हमारा आज का प्रकरण है उसके अंतर्गत प्रस्तावना कौशल जो प्रस्तावना पाठ योजना में हम करते हैं वो किस प्रकार की कराई जाए, कैसे की जाए, इसके बारे इस चुनौती के बारे में मैंने आपको अध्ययन कराया था कि प्रस्तावना किस कैसे की जाए। क्योंकि जब हम शिक्षण कार्य करते हैं तो बहुत सी चुनौतियाँ हमारे सामने आती है, समस्याएँ हमारे सामने आती है, तो बहुत से प्रश्न उठते हैं चुनौती के रूप में। उसी के अंतर्गत हमारी दूसरी चुनौती है पाठ एक अनुमिति में पढ़ाया जाए या दो अनुमिति में। कुछ कहते हैं कि पाठ का विकास एक अनुमिति में किया जाना चाहिए, कुछ कहते हैं कि पाठ का विकास दो अनुमिति में किया जाना चाहिए। गद्य हो या पद्य कोई भी विधा हो, जब तक हम उसमें उस गद्य में ज्ञान उसके जो ज्ञान है उसके भावानु के बारे में स्पष्ट किया जाता है और पद्य में भी कविता का भाव संप्रेषण जो है मूल होता है, ठीक है। तो जब गद्य और पद्य का हम लेसन पढ़ाते हैं, पाठ पढ़ाते हैं, तो उसमें जो हमारा उद्देश्य है कि बालक को उसके बारे में पूरी जानकारी देना, उसके बारे में पूरा ज्ञान देना, ठीक है। तो जब हम एक अनुमिति में पाठ पढ़ाते हैं तो हम पाठ को जो है कि समस्त सोपान को समुचित रूप से अपनाते हुए उसका निभाते हैं ताकि बच्चा उसको अच्छे से समझ सके। और यदि पाठ का विकास एक से अधिक अनुमिति में हम करते हैं तो हमारे पास इतना समय नहीं होता कि उन सब क्रियाओं को समुचित रूप से सरल रूप से और शनै शनै करते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। जब हम कालांश में 30 से 35 मिनट में शिक्षण कार्य कराना चाहते हैं तो हमारे पास इतना समय नहीं होता कि पाठ का विकास हम दो अनुमिति में कर सकें। और 35 मिनट में हमें उन सभी स्टेप्स को, उन्हीं सभी सोपान को भी अपनाना है। तो उन सोपानों को अपनाते हुए शिक्षण कार्य जब हमको कराना है तो मेरा यह मानना है कि पाठ का विकास एक अनुमिति में ही किया जाना चाहिए ताकि हम बच्चे को अच्छी तरह सुगम तरीके से और सरल रूप से जो है ज्ञान दे सकें और उसको समझ आ सके। दूसरा है आदर्श वाचन कितने बार किया जाए। जो कविता में हम आदर्श वाचन करते हैं वो आदर्श वाचन आरोह अवरोह लय गति ताल के अनुसार किया जाता है। तो जब हम लय गति ताल के अनुसार कविता का हाव भाव के साथ में वाचन करते हैं तो बच्चों को कविता की व्याख्या करने से पूर्व ही उसके भाव के बारे में जानकारी होती रहती है। इसमें हम एक से अधिक बार कविता का यदि वाचन करते हैं तो भाव संप्रेषण की क्रिया जो है अधिक सरल और सुगम हो जाती है। तो मेरा ये मानना है कि कविता में आदर्श वाचन जो है एक से अधिक बार होना चाहिए ताकि बच्चा उस कविता के भावों को, कविता का वाचन किस प्रकार से किया जा रहा है, किस लय गति का उसमें ध्यान रखा जा रहा है, इसके बारे में बच्चे को पूरी जानकारी हो जाए। तो कविता में एक पाठ योजना में कविता का वाचन जो है कम से कम 2 से 3 बार होना चाहिए, ठीक है। तीसरा है आदर्श वाचन गा के किया जाए या आरोह अवरोह के साथ किया जाए, क्योंकि कविता का संबंध लय गति से है, मधुरता से है। तो कुछ शिक्षाविद ऐसा मानते हैं, उनका कहना है कि जो कविता हम पढ़ाते हैं उसको एक गीत के तरह गा के प्रस्तुत किया जाए। तो गीत की तरह गा के प्रस्तुत करना हर किसी के जो है वश में नहीं है, क्योंकि एक बाथरूम सिंगर होना और एक पूरी पब्लिक के सामने, जनता के सामने गाना, दोनों में बहुत अंतर होता है, ठीक है। तो हर कोई संगीत जो है गाना नहीं गा सकता है, वो भी इतने जनों के सामने। जब कक्षा में शिक्षण कार्य करेगा तो कम से कम 30 से 40 बच्चे वहाँ पर होंगे, ठीक है। और उस समय उस कविता को गाकर उसके सामने प्रस्तुत करना हर अध्यापक के वश में नहीं है, हर अध्यापक के लिए ये चैलेंज स्वीकार नहीं किया जाता। तो और यदि वो करता भी है
दबाव में आके करने की कोशिश कर भी करेगा तो वो हंसी का पात्र बन जाएगा और बच्चे उसके उस गीत को सुन के हंसने लगेंगे और हंसने से क्या उनमें एक झिझक आ जाएगी, वो जो चीज़ कविता का जो भाव संप्रेषण कराना चाहते हैं जो वो अध्यापक नहीं कर पाएगा। तो मेरा ये मानना है कि कविता का जो वाचन है वो आरोह अवरोह लय गति ताल के अनुसार किया जाना चाहिए, जिसको जिसमें पूरा हाव भाव हाव और कविता में एक लय के अनुसार उसका वाचन हो। नेक्स्ट है अनुकरण वाचन सभी छात्रों से कराया जाए या कुछ छात्रों से। जो अपन अनुकरण वाचन कराते हैं, जब हम आदर्श वाचन उनके सामने प्रस्तुत करते हैं तो उसके बाद में कक्षा के कुछ विद्यार्थियों से जो है अनुकरण वाचन कराते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो यदि सारी कक्षा के बच्चों से अनुकरण वाचन कराने लगेंगे तो वो 30 मिनट का समय उसी में ही चला जाएगा और आगे की जो क्रियाएं हैं जो स्टेप हैं वो जो बढ़ेंगे नहीं और वो पाठ वहीं पर ख़त्म हो जाएगा और आगे जो समझाने का उद्देश्य है जो बताने का उद्देश्य है वो क्रियाएं पूरी नहीं होंगी। तो ऐसा हो सकता है कि आज हमने कक्षा के इन 5 बच्चों से 6 बच्चों से अनुकरण वाचन कराया तो कल हम नेक्स्ट उन 5-6 से कराएंगे। ये प्रक्रिया तो एक तरह से संभव हो सकती है पर कक्षा के सभी विद्यार्थियों से अनुकरण वाचन कराया जाए ये संभव नहीं हो सकता। तो मेरा मानना है कि कक्षा के कतिपय छात्रों से जो है अनुकरण वाचन एक दिन में कराया जाए और कुछ कतिपय छात्रों से अन्य दिन कराया जाए। नेक्स्ट है अशुद्ध उच्चारण बीच में कराया जाए या बाद। जब हम अनुकरण वाचन कराते हैं तो बालक है, उस जो वो पढ़ता है उसके पढ़ने में बहुत सी अशुद्धियाँ होती हैं, वो बहुत से शब्दों को गलत भी पढ़ता है और या अपनी लोकल भाषा का उसके ऊपर बहुत अधिक प्रभाव होता है तो वो उनका उच्चारण गलत करता है। तो कुछ विद्वान शिक्षाविद कहते हैं कि जो भी अनुकरण वाचन में अशुद्धियाँ कर रहा है वो उसी समय बालक को बीच में रोक कर कराएंगे और कुछ कहते हैं कि उन अशुद्धियों को ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाना चाहिए जो 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 वो बच्चा अशुद्धियाँ बोल रहा है और जब वो वाचन कर ले अनुकरण वाचन कर ले इसके बाद में उसको जो है उसकी अशुद्धियों को शुद्ध कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाद में हम बीच में यदि रोक के बालक को अशुद्धियाँ शुद्ध कराएंगे तो बच्चे के अंदर एक झिझक आ जाएगी, एक शर्म आ जाएगी और वो आगे जो है पढ़ने की कोशिश नहीं करेगा। वो जिस हाव भाव के अनुकरण करके करने की कोशिश कर रहा है उस कोशिश में उसके दखल आ जाएगा और वो आगे जो है पढ़ने में जो है असक्षम हो जाएगा। तो हमारा ये मानना है कि जो अशुद्ध संशोधन जो कराया जा रहा है वो विद्यार्थी को उसके पाठ को पढ़ लेने के बाद में जो जो वो शब्द अशुद्ध पढ़ रहा है उन शब्दों को शुद्ध कराया जाना चाहिए। अब प्रश्न है आपके घर का लेकर कि कविता शिक्षण की चुनौतियों में प्रस्तावना किस प्रकार की जाए, चुनौती को स्पष्ट कीजिए।